हाय देयर, अभिषेक रंजन हियर एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। कई बार हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर कई बार हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोफेशनल वर्क पे आना शुरू हो जाता है और हम सोचते हैं कि दोनों को किस तरीके से बैलेंस करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन चीजें शेयर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कॉन्सेप्ट कि क्या है वर्क लाइफ बैलेंस, और अगर ये वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है तो किस तरह से हमारा वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ वो इम्पैक्ट होता है और क्या चैलेंजेस आते हैं। दूसरे पॉइंट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो थ्री रीजंस क्या है जिन वजह से ये वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं हो पाता है और हम किस तरह के पैटर्न में जी रहे होते हैं जिसके कारण हम जानते हुए भी अपने आप को उस बैलेंस की तरफ नहीं ले जा पाते हैं। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके साथ में कुछ एक्शन स्टेप्स को भी शेयर करूंगा कि वो एक्शन स्टेप को लेने से किस तरीके से आप बहुत ही कम समय में अपने वर्क को और लाइफ को दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। सो अगर आप इस वीडियो को YouTube या फिर Facebook पर देख रहे हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, हाउ टू बैलेंस योर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट, और अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं यहाँ पर आपके साथ कुछ चार चीज़ें मैं शेयर करूंगा उस कॉन्सेप्ट में। बेसिकली जब हमारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है तो क्या होता है हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ। फिजिकल हेल्थ में नॉट एबल टू डू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है कि मेरे फिजिकल हेल्थ को बेटर रखने के लिए या फिजिकली फिट रहने के लिए मुझे इन सारी चीज़ों को करना चाहिए, तो आप उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे, या हो सकता है ये टाइम की वजह से ना हो पा रहा, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो, या फिर आप घर में बहुत बिजी हो, जो भी रीज़न हो उसका एक इम्पैक्ट आपके फिजिकल हेल्थ पर आता है। दूसरा पॉइंट होता है जब आपका बैलेंस नहीं बना रहेगा वर्क और लाइफ में, दैट इज़ योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या आपका होगा कि आप लो फील करेंगे, एंग्जाइटी आपके अंदर आएगी, आप एक बेचैनी को फील करेंगे, डिस्कम्फर्ट को फील करेंगे, या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में बताऊं कि अनइजीनेस जो आपकी पूरी बॉडी में होती रहती है उसको आप फील करेंगे, मेंटल प्रेशर को आप फील करेंगे, और साथ ही साथ ऐसा लगेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। तो इससे आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब होगा और इस तरह की फीलिंग्स भी आनी आपको शुरू हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट क्या होगा अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा, दैट इज़ योर फाइनेंशियल हेल्थ, कि आपके पास कैपेबिलिटीज़ भी होंगी, आपके पास नॉलेज भी होगा एंड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट आप इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो मैंने गोल बनाया हुआ उस गोल को मैं हिट नहीं कर पा रहा हूँ, एंड सडनली धीरे धीरे डेब्ट्स भी हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्थ भी हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फैमिली और रिलेशनशिप हेल्थ। यहाँ से आप देखेंगे कि जब आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं हो रहा है, साथ ही साथ आप अपने प्रोफेशन में भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने गोल को हिट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट फैमिली पर भी आ रहा है और आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर टाइम दे रहे हैं बट आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ के चार डिफरेंट एरियाज में, जब हमारा वर्क और लाइफ बैलेंस नहीं होगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट, अब ये बैलेंस अगर नहीं होता है तो ये सारी चीज़ों को हम जानते भी हैं, लेकिन क्या रीजंस होते हैं जिन वजह से हम अपने आप को उस बैलेंस वाले मोड में लेकर नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ रीजंस मैंने नोट किए हुए हैं जो मैंने देखा है अपने पर्सनल लाइफ में और कुछ लोगों को ट्रेन करने के बाद उनके थ्रू जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बेस पर। जो पहला रीजन होता है यहाँ पे, दैट इज पीपल वांट टू चेंज एवरीथिंग ओवरनाइट, यानी कि वो आज सोचते हैं कि मुझे आज ही मैं एक्शन लूँ और कल से मेरे लाइफ में सारी चीज़ें बदल जाएं। ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, या फिर अगर हमारे पास वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर मैं अपने फिजिकल हेल्थ से थोड़ा परेशान हूँ तो चीज़ों को मैं बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। आप कल से एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सारी चीज़ें करनी शुरू कर देंगे, आपका डेब्ट एकदम से ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप एकदम से वर्क परफॉर्मेंस अपना देना स्टार्ट कर देंगे। ये सब कुछ एक टाइम लेगा। तो पहली जो गलती करते हैं कि वो ओवरनाइट सक्सेस की ऐसी एक विश रखने लगते हैं कि आज से कर रहा हूँ और कल से मेरा रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा रीज़न है इसमें, वो है आपका फाइंडिंग शॉर्टकट। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, फाइनेंस का, हेल्थ का, फैमिली का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, तो हम कुछ इस तरह की चीज़ों को ढूंढते हैं जो बहुत कम टाइम में शॉर्टकट मेथड के थ्रू हमें रिजल्ट दे दें।
और बहुत सारे शाइनी ऑब्जेक्ट्स भी हमें दिखते हैं सोशल मीडिया पे कि आप ये कर लो, इस एक्टिविटी को कर लो, इससे आपका बैलेंस हो जाएगा, बट किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसके कारण कि हम अपनी लाइफ में वर्क और लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और तीसरा जो रीज़न होता है, जब हम कुछ एक्शंस को ले रहे होते हैं, जब हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं और हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर हम ब्लेम करते हैं। और वो किसको ब्लेम करते हैं, या तो सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, या फिर हम कुछ लोगों को ब्लेम करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं, या फिर कुछ चीज़ों को ब्लेम करते हैं कि सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और कई बार हमें ये भी लगता है कि मेरी खुद की बॉडी ही मेरी सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरा मेंटल लेवल ही वो नहीं है जो एक प्रॉपर वर्क करने वाले का होना चाहिए। तो ये तीन बड़े रीजंस हैं जिन वजह से हम अपने लाइफ में अपने वर्क के लाइफ को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर इन तीनों रीजंस में से आपके पास कुछ हैं या फिर उन चैलेंजेस को भी आप फेस कर रहे हैं, तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो सॉल्यूशन स्टेप्स को। अगर आप उन सॉल्यूशन स्टेप को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक बैलेंस आनी शुरू हो जाएगी आपके वर्क में और आपके पर्सनल लाइफ में। सो व्हाट आर द सॉल्यूशन स्टेप्स, वो सॉल्यूशन स्टेप्स क्या है जिसको कि आपको फॉलो करना है। तीन सॉल्यूशन स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली चीज तो आपकी होगी सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का मीनिंग क्या है कि आपको अपने लाइफ में उस एरिया को फाइंड आउट करना है जहां पर आपको एक बैलेंस को क्रिएट करना है। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि आप वर्किंग प्रोफेशनल, आप काम कर रहे हैं और आपने डिसाइड किया है कि मॉर्निंग में कुछ टाइम मेरा एक्सरसाइज होना चाहिए जिससे कि मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाए, वो बेटर होनी शुरू हो जाए। तो फिजिकल हेल्थ एक दिन में ही बेटर नहीं हो जाएगी, उसके लिए आपको कुछ एक स्टेप्स को लेना पड़ेगा। तो वो एरिया पहले डिफाइन कर लेना है कि मेरी फिजिकल हेल्थ मेरी अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज कमिट स्मॉल बट ऑनर फुल्ली। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ ना कुछ कमिटमेंट करेंगे कि कल से मुझे एक्सरसाइज करनी है, कल से मुझे 30 मिनट्स के लिए वॉक करना है, कल से मुझे मेडिटेशन करना है, वो सारी चीज़ें जो आपकी फिजिकल हेल्थ को फिट रखेंगे और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, आपको कुछ कमिटमेंट करेंगे। लेकिन कमिटमेंट करने से पहले आपको एक काम करना है, आप कमिटमेंट बहुत बड़ा नहीं करेंगे, आप छोटा कमिटमेंट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, देन आप 30 मिनट्स के लिए मत डिसाइड करो, आप 30 मिनट्स के लिए आई मीन 15 मिनट्स के लिए आप डिसाइड करें। यानी कि कमिट स्मॉल, आप 15 मिनट ही एक्सरसाइज करेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं कि आप 30 मिनट डिसाइड कर ले रहे हैं और कर रहे हैं 20 मिनट्स तक, क्योंकि आप थक जा रहे हैं, आपको आदत नहीं है। सो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो भी कमिट करेंगे आप उसे ऑनर करेंगे, और स्टार्टिंग में आपको स्मॉल कमिट करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मॉर्निंग में वॉक पे जाना है और 5 किलोमीटर तक वॉक करना है, तो आप 1 किलोमीटर का ही टारगेट लेंगे, जस्ट 1 किलोमीटर, और नेक्स्ट 1 वीक तक आप इसी पे फोकस्ड रहेंगे और इसी पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। कमिट स्मॉल बट ऑनरफुल्ली। एंड थर्ड स्टेप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना, जब आप अपने एनालिसिस फेज को पूरा कर चुके हैं कि किस एरिया में मुझे बैलेंस क्रिएट करना है, दूसरे स्टेप में आपने कमिट करना स्टार्ट कर दिया है और ऑनर करना स्टार्ट कर दिया है, और तब आता है आपका रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे ही आपने 1 वीक का कोई एक कमिटमेंट लिया कि मैं 15 मिनट्स तक एक्सरसाइज करूंगा, और आपने 7 डेज में 15 मिनट्स तक एक्सरसाइज उसी टाइम पर किया है, यहाँ पे एक पैटर्न को आपको डेवलप करना होगा उस रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू। आप अपने आप को कुछ एक रिवॉर्ड देंगे। अब रिवॉर्ड देना क्यों ज़रूरी है, मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया कि हमारा माइंड इस तरीके से वायर्ड होता है कि वो प्लेजर की तरफ ज़्यादा जाएगा, उसे जो भी प्लेजर वाली चीज़ें मिलेंगी वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देंगे तो उसके लिए वो एक प्लेजर मोमेंट होगा। उन रिवॉर्ड्स में आप कुछ भी दे सकते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने आप को कुछ एक गिफ्ट दे दें, कुछ ड्रेस दे दें, कुछ एक गैजेट्स आप दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो रिवॉर्ड आप अपने आप को देंगे जिससे कि आपको खुशी मिलती हो और आपको अच्छा फील होता हो, कुछ टाइम के लिए आपको बाकी लोगों से डिफरेंट फील हो रहा हो। तो वो रिवॉर्ड सिस्टम का एक आपको हैबिट डेवलप करना है, और इससे आपका एक न्यू पैटर्न भी डेवलप होगा जिससे कि वो बार बार अंदर से आपको मोटिवेट करेगा कि नो, ये स्टेप आपको लेना है, ये स्टेप लेना है, और यहाँ से फिर आप रेगुलर उस मोड में आ जाएंगे। और जैसे ही आप रेगुलर मोड में आएंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि उन चीज़ों को करना शुरू कर दिए हैं जो चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करेंगे, एंड ग्रेजुअली आप धीरे धीरे बैलेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट
how to create balance between professional life और personal life. And now your action steps. अगर आपको लगता है कि आपको balance create करना है but आपको कहीं थोड़ी और guideline की ज़रूरत है, किसी तरह की कोई anxiety से आप परेशान हैं, किसी तरह के कोई procrastination की habit से आप परेशान हैं, तो आप मेरे VIP ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर कि आप वीकली ट्रेनिंग मोड में आके इन सभी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं प्रैक्टिकली. दूसरी चीज़, आप मेरे से लाइव भी मिल सकते हैं मेरे लाइव वेबिनार में, जो कि एवरी सैटरडे को और एवरी संडे को रेगुलरली होते रहता है. तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा और लिंक पर क्लिक करके आप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट मेरे वेबिनार या मास्टर क्लास के लिए आप रजिस्टर भी कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, किस तरह से आप वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में आप बैलेंस को क्रिएट करेंगे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. अगर हाँ तो आप इसे लोगों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि कौन से एरिया में आपको और भी ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.